हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम लोग संरचनावाद का अध्ययन करेंगे। संरचनावाद को अंग्रेजी में स्ट्रक्चरलिज्म कहा जाता है। तो इस अवधारणा का हम अध्ययन करेंगे निम्न बिंदुओं के आधार पर: प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, संरचनावाद के मूल तत्व, फंडामेंटल्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद की अवधारणा का मूल स्रोत, बेसिक सोर्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावादी मूल्यांकन प्रविधि स्ट्रक्चरलिस्ट इवोल्यूशन मेथड, संरचना की अवधारणा के आधारभूत तत्व फंडामेंटल्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर, संरचनावाद की मूल मान्यताएं बेसिक बिलीफ्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म और निष्कर्ष कंक्लूजन। नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने उत्तर आधुनिकतावाद और अस्तित्ववाद और मनोविश्लेषणवाद पर मेरे जो लेक्चर्स हैं उसको आपने बहुत पसंद किया, प्यार किया, उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इन तीनों के लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। वास्तव में जो संरचनावाद है, स्ट्रक्चरलिज्म है, यह पाश्चात्य काव्य शास्त्र या फिर भारतीय काव्य शास्त्र का कोई सिद्धांत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार विभिन्न वादों ने, विभिन्न विचारधाराओं ने जीवन के विभिन्न अनुशासनों को प्रभावित किया है, जैसे मार्क्सवाद है, मनोविश्लेषणवाद है, वैसे यह संरचनावाद है जिसने केवल साहित्य को ही नहीं बल्कि नृतत्व शास्त्र मतलब एंथ्रोपोलॉजी और गणित और मनोविज्ञान जैसे बहुत से अनुशासनों को भी प्रभावित किया है। तो आज हम देखेंगे कि संरचनावाद है क्या, यह अवधारणा कहाँ से आई और हिंदी साहित्य में इसकी क्या स्थिति है। और यह एक मॉडल आंसर भी है, इसे आप किसी भी परीक्षा में उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। कोई भी अवधारणा जटिल या फिर सरल नहीं होती है, वास्तव में यदि हम उसे नहीं समझ पाते हैं तब हमको वह जटिल लगती है। तो मैं यह बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। साथ ही चूंकि यह पाश्चात्य विचारधारा है, वेस्टर्न कंट्री से आई हुई आइडियोलॉजी है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में इंग्लिश में भी टर्मिनोलॉजी को लिखा हुआ है ताकि आप उसे भलीभांति समझ सकें। तो आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन। संरचनावाद अंग्रेजी शब्द स्ट्रक्चरलिज्म का हिंदी पर्याय है। संरचनावाद को अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। संरचनावाद पाश्चात्य समीक्षा जगत से हिंदी में आया है। यह हिंदी की मौलिक अवधारणा नहीं है बल्कि यह पाश्चात्य समीक्षा जगत से आई है, वेस्टर्न कंट्री से आया हुआ है, वेस्टर्न क्रिटिसिज्म से यह टर्म आया है। यह 1960 के दशक में के फ्रांस में विकसित बौद्धिक विश्लेषण एवं चिंतन की वह पद्धति है जिसे विश्व स्तर पर भाषाविदों, साहित्य समीक्षकों, दार्शनिकों, मनोविज्ञान शास्त्रियों तथा नृविज्ञान शास्त्रियों जिन्हें एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है का उत्साहवर्धक समर्थन मिला है। संरचनावाद वास्तव में भाषा विज्ञान से इसने जन्म लिया है। 1960 के दशक में इसकी उत्पत्ति हुई फ्रांस में और यह केवल हिंदी साहित्य में नहीं बल्कि विभिन्न विचारधाराओं को, विभिन्न अनुशासनों को, विभिन्न विषयों को इसने प्रभावित किया है जो हमने यहाँ पर देखा, चाहे मनोविज्ञान हो, चाहे दर्शन हो, चाहे नृविज्ञान हो, इन सभी को इन्होंने इस विचारधारा ने प्रभावित किया है और सबने उसे समर्थन दिया है। संरचनावाद की अवधारणा का मूल स्रोत जेनेवा और पेरिस में भाषा विज्ञान के प्रोफेसर फर्डिनैंड डी सस्यूर द्वारा प्रतिपादित भाषा सिद्धांत है। तो जो संरचनावाद है उसके जनक कौन है? फर्डिनैंड डी सस्यूर है। तो इन्होंने जो भाषा सिद्धांत दिया है, भाषा के संबंध में इन्होंने जो सिद्धांत दिया भाषा विज्ञान के अंतर्गत, वही संरचनावाद का जनक है, उसी ने संरचनावाद को जन्म दिया है। अब संरचनावाद का मुख्य क्या है, मूल बिंदु क्या है, विचारणीय मूल बिंदु क्या है इसका? संरचनावाद का केंद्रवर्ती बिंदु कृति है, कृतिकार अथवा समीक्षक नहीं है। मतलब संरचनावाद के अंतर्गत किसी कृति को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, उसके लेखक या कवि को या फिर उसके समीक्षक को या उसके आलोचक को महत्व नहीं दिया जाता, सिर्फ कृति को महत्व दिया जाता है। संरचनावाद का गहरा संबंध भाषा से है और कृति में भी सबसे ज्यादा महत्व किसको दिया जाता है? उसकी भाषा को, कृति की भाषा कैसी है।
संरचनावाद भाषिक दृष्टि से साहित्य के मूल्यांकन का प्रतिमान है। संरचनावाद क्या है? संरचनावाद के अंतर्गत हम किसी कृति का भाषिक दृष्टि से मूल्यांकन करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं। मतलब जब हम किसी कृति की समीक्षा भाषिक दृष्टि से करते हैं तब यही संरचनावाद है, यही संरचनावाद का केंद्रवर्ती बिंदु है। भाषा का ऐसा कलात्मक प्रयोग जो मानव स्थितियों के नाना पहलुओं को साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत करता है संरचनावाद के अंतर्गत आता है। मतलब हमारे जो विभिन्न मनोभाव हैं, सुख है, दुख है, संघर्ष है, है ना, मतलब हमारी जिंदगी में, एक मनुष्य की जिंदगी में जितने प्रकार की भी परिस्थितियां आती हैं उनका भाषा के द्वारा कलात्मक ढंग से जब हम उसको अभिव्यक्त करते हैं तो उसी कलात्मकता की विवेचना, उस भाषा की कलात्मकता की जो विवेचना करते हैं वह संरचनावाद के अंतर्गत आता है। मतलब हमारे जितने भी विभिन्न मनोभाव हैं उनको भाषा के माध्यम से हम कैसे व्यक्त करते हैं, किस स्टाइल में व्यक्त करते हैं, यह सब संरचनावाद के अंतर्गत आता है। भाषा और अर्थ परस्पर जुड़े रहते हैं, अतः किसी भी साहित्यिक कृति में भाषा की बनावट मतलब स्टाइल और बुनावट टेक्सचर उसकी संरचना से जुड़ी रहती है। मतलब भाषा क्या है? भाषा और अर्थ एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मतलब हम अपने मनोभावों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं, उससे कोई अर्थ ध्वनित होता है, और इसीलिए किसी भी साहित्य कृति में जो भाषा की बनावट है, स्टाइल है, लिखने का जो तरीका है, बोलने का जो तरीका है, और बुनावट उसकी टेक्सचर मतलब उसके विभिन्न अवयव जैसे ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य, पदबंध, वाक्य विन्यास आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, उसका टेक्सचर कैसा है, बुनावट कैसी है, ये सब उसकी संरचना से जुड़ी हुई होती है। मतलब किसी भाषा की संरचना में भाषा की बनावट और उसकी बुनावट दोनों जुड़े रहते हैं। इस प्रकार साहित्यिक कृतियों की भाषा की संरचना का अध्ययन उसमें नए अर्थों की खोज करता है। मतलब जब हम संरचनावाद के माध्यम से किसी कृति की भाषा का अध्ययन करते हैं, उसका भाषाई दृष्टिकोण से जब हम उसकी विवेचना करते हैं, तब हमको उस कृति में नए अर्थ का बोध होता है। मतलब किसी कृति में अब हमारे विवेचना के माध्यम से संरचनावाद के अंतर्गत जब हम विवेचना करते हैं तो हमें उसके नए नए अर्थ प्राप्त होते हैं, नए नए अर्थ मिलते हैं। वस्तुतः संरचनावाद का सार तत्व रूपवाद में निहित है, जिसमें भाषा के बाहर कुछ भी अग्राह है। रूपवाद जिसने रूस में जन्म लिया इसे रूसी रूपवाद भी कहा जाता है। तो संरचनावाद का मूल तत्व किसमें निहित है? रूसी रूपवाद में निहित है, जो भाषिक दृष्टि से, भाषाई दृष्टि से किसी कृति की मूल्यांकन करता है और कहता है कि भाषा के बाहर कुछ भी अग्राह है। मतलब किसी कृति की विवेचना और उसका मूल्यांकन सिर्फ उसमें प्रयुक्त भाषा के आधार पर किया जाना चाहिए। रूपवाद को फार्मीज बोलते हैं। मतलब किस फार्म में, किस रूप में हमने भाषा का प्रयोग किया है। रूपवाद में साहित्य को रचनाकार और रचनागत परिस्थितियों से अलग कर मात्र पाठ या टेस्ट पर बल दिया, जो कालांतर में संरचनावाद का मूल कारक बना। मतलब संरचनावाद को खाली फर्डिनेंड डी सच्योर ने ही जन्म नहीं दिया, बल्कि संरचनावाद का जन्म रूसी रूपवाद के माध्यम से हुआ, जिसमें यह कहा गया है कि जब हम किसी कृति की विवेचना करते हैं तब हमको उसका कृतिकार या लेखक या कवि से हमारा कोई मतलब नहीं है, और उसकी देश, काल या परिस्थितियों या उसकी भावना से कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है तो सिर्फ पाठ या टेस्ट है। मतलब यहाँ पर जो कृतिकार या लेखक का महत्व है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, और जो तत्कालीन जो परिस्थितियाँ हैं जिसमें उस कृति की रचना हुई उसका भी कोई महत्व नहीं रह जाता। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यहाँ पर सिर्फ पाठ या टेस्ट या कृति ही रहता है। तो यह भी संरचनावाद का मूल कारक है। रूपवाद में भाषागत साहित्य अध्ययन पर जो बल दिया गया वही भाषा विज्ञान के संरचनावादी सूत्र के रूप में विकसित हुआ, और संदेश के उद्देश्य के लिए भाषा के संरचना के प्रकार मतलब फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर को समझने के प्रयास शुरू हुए। मतलब रूपवाद में किस पर बल दिया गया? कि साहित्य का अध्ययन, साहित्य की विवेचना भाषागत आधार पर होना चाहिए, इसने इस पर बल दिया, और यही बाद में इसने भाषा विज्ञान के अंतर्गत संरचनावाद को जन्म दिया, संरचनावाद के रूप में विकसित हुआ। और हमको उसका संदेश कैसे पता चलेगा कि उसका जो मैसेज है, यहाँ पर मैसेज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर मतलब भाषा का काम यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब यदि
हम उपयुक्त भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, और जो भाषा के विभिन्न अवयव हैं या घटक हैं, शब्द, ध्वनि, पद, पदबंध, वाक्य, वाक्य विन्यास, यदि आपस में सही तरीके से जुड़े हुए नहीं रहेंगे तब हमको उस कृति से कोई संदेश प्राप्त नहीं होगा। मतलब भाषा का प्रकार क्या है, भाषा का फंक्शन क्या है, संदेश को हम तक पहुंचाना। भाषा एक संघटक साकल है, ऑर्गेनिक होल है, जिसके अनेक घटक या अवयव हैं। मतलब भाषा क्या है, भाषा एक संघटक साकल है, ऑर्गेनिक होल किसको बोलते हैं, जैसे मनुष्य का शरीर है, मनुष्य के शरीर में बहुत सारे हिस्से होते हैं। शरीर बोलने से खाली शरीर का बोध होता है, लेकिन शरीर किन अवयवों से मिलकर बना है, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर। तो वैसे ही भाषा के भी विभिन्न अवयव घटक होते हैं, जैसे कि शब्द, पद, पदबंध, वाक्य, वाक्य विन्यास इत्यादि। मतलब भाषा विभिन्न घटकों या अवयवों से मिलकर बना होता है, और प्रत्येक अवयव एक और अपने अगले अवयव से जुड़ा रहता है, साथ ही अवयवी से भी। मतलब भाषा के जितने भी अवयव या घटक होते हैं वे आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और साथ ही साथ वे भाषा से जुड़े होते हैं। मतलब संरचनावाद किसी वस्तु, कृति या घटना और समाज का अध्ययन इसी सावयवी पद्धति से करता है। मतलब संरचनावाद किसी वस्तु को, किसी कृति को या किसी घटना को उन सभी अवयवों के आधार पर उनकी समीक्षा करता है जिन अवयवों और घटकों से मिलकर वह बना है। उदाहरण के लिए देखते हैं, मनुष्य एक सावयव प्राणी है। सावयव मतलब अवयव सहित, मतलब हैविंग ऑर्गन्स, मतलब बहुत सारे अंग होते हैं, मनुष्य के बहुत सारे अंग होते हैं, शरीर के बहुत सारे अंग होते हैं, जिसके सारे अवयव या घटक जैसे कि अंगुली, हाथ, पैर, आंख, नाक, कान आदि सभी एक दूसरे से जुड़े हैं, और साथ ही मनुष्य से भी जुड़े हुए हैं। मतलब मनुष्य कहने से क्या होता है, मनुष्य कहने से हमको बोध होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत सारे अवयव हैं, जिसके बहुत सारे अंग हैं, आंख, नाक, हाथ, पैर, ये सभी अंग आपस में भी जुड़े हुए हैं और मनुष्य से भी जुड़े हुए हैं। एक की क्षति से रचना विखंडित हो जाएगी और एक के क्षरण का प्रभाव दूसरे पर पड़ेगा। तो मनुष्य का जो शरीर है, जैसे कि यदि हमारा एक आंख नहीं रहा या एक हमारा हाथ कट गया, तब क्या मनुष्य पूर्ण रूप से रह पाएगा, पूर्ण मनुष्य, पूरा शरीर, समग्र रूप से मनुष्य हम कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। मतलब यदि एक की भी क्षति हो जाती है, एक का भी नुकसान हो जाता है, तो इससे क्या होगा, वह क्षतिपूर्ण हो जाएगा, वह विखंडित हो जाएगा, वह व्यक्ति अपाहिज हो जाएगा, हैंडीकैप्ड हो जाएगा, है ना, जिसको अभी अपाहिज, दिव्यांग जिसको कहा जाता है। वैसे ही यदि किसी कृति में उसके जो भाषा के विभिन्न अवयव हैं, यदि एक भी विखंडित हो जाता है, तो उसके विखंडन का, उसके क्षरण का प्रभाव दूसरे हिस्सों पर भी पड़ता है, कृति विखंडित हो जाती है, कृति पूर्ण नहीं रह पाती है। तो यह सब हम अध्ययन करते हैं संरचनावाद के अंतर्गत। तो इसके अनुसार क्या होता है, संरचनावाद के अनुसार हर वस्तु का एक अवयव, उसके अपने घटक होते हैं और उन घटकों के पारस्परिक संबंध होते हैं। मतलब संरचनावाद के अंतर्गत कोई भी वस्तु के अंतर्गत जितने भी उसके अवयव होते हैं उनमें पारस्परिक संबंध होता है, वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और उन अवयवों का, उन घटकों का पारस्परिक संबंध होता है, आपस में संबंध होता है। प्रत्येक घटक एक और दूसरे घटक से संबंधित होता है, और दूसरे और पूरे अवयवी के साथ। प्रत्येक घटक एक दूसरे से संबंध तो रखता है, प्रत्येक अवयव आपस में भी संबंधित रखता है, और उस जिसका वह घटक है उस अवयवी से भी वह संबंध रखता है, जैसे हमारा शरीर है। इसके विवेचन की एक पद्धति होती है जिसे संरचनावाद नाम दिया गया है। तो इसकी जब हम समीक्षा करते हैं, इसे कहते हैं संरचनावाद। संरचनावाद को पद्धति के रूप में स्थापित करने का श्रेय स्विस भाषाविद फर्डिनेंड डी सस्यूर को जाता है। इनका समय काल है 1857 से 1913। सस्यूर ने संरचनावाद का सिलसिलेवार ब्यौरा अपनी प्रसिद्ध कृति कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स में दिया है। तो संरचनावाद के जनक फर्डिनेंड डी सस्यूर को माना जाता है, और उन्होंने अपनी कृति कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, तो वास्तव में यह उनके लेक्चर से इनके व्याख्यान का संकलन है, जिसे इनकी मृत्यु के उपरांत इनके छात्रों ने प्रकाशित करवाया था। तो यह इनकी किताब का नाम है जिसमें इनका पूरा श्रेय दिया गया है। सस्यूर के अतिरिक्त अन्य भाषाविद हैं, अन्य संरचनावादी हैं, रोमन पॉकॉपसन, लुई हेल्सेव, एमली बेनविमिस्ते एवं चॉम्स, ये अन्य संरचनावादी कुछ प्रमुख विद्वान हैं। संरचनावादी समीक्षक समीक्षा में
रचना के उन तमाम तत्वों या अवयवों का अध्ययन करता है जिनसे रचना अर्थ और अस्तित्व पाती है। मतलब किसी भी कृति की भाषाई विश्लेषण करते समय वह जिन अवयवों से मिलकर बना है उन सब का अध्ययन इसके अंतर किया किया जाता है, जिससे मिलकर हमारी किसी कृति को एक अर्थ प्राप्त होता है। किसी रचना को एक अर्थ प्राप्त होता है, उससे एक संदेश प्राप्त होता है। संरचना अपने में पूर्ण होती है। कोई भी संरचना अपने आप में हमेशा पूर्ण होती है, उसकी पूर्णता की खोज करनी होती है। संरचना चाहे साहित्यिक कृति की हो अथवा मिथक की, पूर्णता उसकी अनिवार्यता है। मतलब संरचना को पूर्ण कब माना, संरचना चाहे कोई भी साहित्यिक कृति की संरचना हो अथवा किसी मिथक, मिथक मतलब मिथ जैसे हमारे पुराण वगैरह हैं, तो संरचना के लिए पूर्णता अनिवार्य शर्त है। मतलब यदि कोई संरचना है तो उसमें पूर्णता अनिवार्य रूप से होगी, चाहे वह साहित्यिक कृति हो चाहे कोई मिथक हो, मतलब पुराण वगैरह है, मिथ्स। अब भाषा और अर्थ परस्पर जुड़े रहते हैं निश्चित रूप से। भाषा क्या है, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है, तो उससे कोई अर्थ प्रतिध्वनित होगा तभी तो हमको पता चलेगा कि यह भाषा है। तो भाषा और अर्थ एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अतः किसी भी साहित्यिक कृति में भाषा की बनावट मतलब उसका स्टाइल और बुनावट टेक्सचर इसकी संरचना से जुड़ी रहती है। किसी भी भाषा की संरचना में भाषा उसकी बनावट मतलब स्टाइल और बनावट जुड़े रहते हैं। इस प्रकार साहित्यिक कृतियों की भाषा की संरचना का अध्ययन उसमें नए अर्थों की खोज करता है। जब हम साहित्यिक कृतियों की भाषा का अध्ययन करते हैं, उसके स्टाइल और उसके टेक्सचर का अध्ययन करते हैं, तब हमको उसमें से अर्थ प्रतिध्वनित होता है, हमको उस कृति के नए अर्थ प्राप्त होते हैं। संरचना और संरचनावाद भाषिक दृष्टि से साहित्य के मूल्यांकन के प्रतिमान है। मतलब संरचना अथवा संरचनावाद के अंतर्गत किसी कृति का भाषिक दृष्टि से मूल्यांकन किया जाता है, उसकी विवेचना की जाती है, उसकी समीक्षा की जाती है। आधुनिक आलोचना में शैली वैज्ञानिक आलोचना भी संरचनावाद पर विशेष बल देती है। एक शैली वैज्ञानिक जो होते हैं, जो शैली के आधार पर मतलब स्टाइल के आधार पर जो आलोचना करते हैं, वह भी संरचनावाद पर बल देता है। उनका कहना भी है कि भाषिक दृष्टि से किसी कृति की आलोचना करनी चाहिए। संरचनावाद के अनुसार हमें साहित्यिक कृति को एक विशिष्ट एकता से युक्त संपूर्ण संरचना के रूप में देखना चाहिए। मतलब साहित्यिक कृति को हम इस प्रकार देखना चाहिए कि उसके जो विभिन्न अवयव हैं उसमें एक यूनिटी है। जैसे मानव का शरीर है वैसे उसमें विभिन्न अवयव में यूनिटी है। यह संपूर्ण संरचना पर्त दर पर्त इतनी जटिल होती है कि इसे अंगभूत उपसंरचनाओं ध्वनि छंद बिंब पद विन्यास आदि के जाल के रूप में देखा जाता है। मतलब जब हम किसी कृति की समीक्षा करते हैं भाषाई आधार पर भाषिक दृष्टि से, तब उसके अंतर्गत हमको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है, जैसे ध्वनि है, छंद है, बिंब है, पद विन्यास आदि हैं, और यह इन सब से मिलकर बना हुआ एक जाल है ना, जैसे जाली होता है वैसा ही। किसी संरचना के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर साहित्य रचना के मूल सिद्धांतों का अन्वेषण संरचनावाद का लक्ष्य है। संरचनावाद वस्तुतः समीक्षा को विज्ञान के निकट या समकक्ष रखने वाला आंदोलन है। मतलब संरचनावाद क्या कहता है कि संरचनावाद एक विज्ञान की तरह है। मतलब जैसे हम अनुसंधान करते हैं, नई नई चीजों को खोजते हैं विज्ञान के अंतर्गत, वैसे ही हमको किसी साहित्य का जब भाषिक दृष्टि से हम उसका विश्लेषण करते हैं, उसका अनुसंधान करते हैं, तब हमको वे मूल सिद्धांत प्राप्त होते हैं जिनके आधार पर उस कृति की रचना हुई है। तो इस प्रकार संरचनावाद क्या कहता है कि संरचनावाद बोलता है कि समीक्षा है, विज्ञान के निकट है। अब संरचनावाद में क्या होता है, संरचनावाद में विशेष बल विषय वस्तु कंटेंट या सब्जेक्ट पर न रहकर उसकी रूप रचना फॉर्म या डिजाइन या संरचना पर दिया जाता है। संरचनावाद है वह किसी कृति की विषय वस्तु पर बल नहीं देता है, बल्कि उसके रूप या फॉर्म पर अधिक बल देता है, उसके स्टाइल पर बल देता है। मतलब उसकी विषय वस्तु क्या है, कंटेंट क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि संरचनावाद यह कहता है कि इसका रूप या डिजाइन कैसा है, इसका फॉर्म कैसा है। किसी भी कृति के अर्थविधान, अर्थविधान मतलब मीनिंग, और शब्द विधान मतलब शब्द, शब्द और अर्थ, सिमेंटिक्स एंड वोकैबुलरी को ही सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। संरचनावाद के अंतर्गत शब्द और उसके अर्थ को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, भाषा को अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें भाषा के अध्ययन में शैली विज्ञान का विशेष रूप से उपयोगी समझा जाता है। जैसे शैली विज्ञान के अंतर्गत किसी भाषा का हम अध्ययन करते हैं, वैसे ही भाषा के अध्ययन शैली विज्ञान के अंतर्गत
अर्थात संरचनावाद के अंतर्गत किया जाता है और शैली विज्ञान इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। इसका तात्पर्य यह है कि संरचनावाद में मुख्य बल किसी कृति के विषय पक्ष सब्जेक्ट मैटर पर न देकर उसके कला पक्ष आर्ट या फॉर्म पर दिया जाता है। मतलब जो संरचनावाद है वह किसी कृति के सब्जेक्ट मैटर पर नहीं बल देता बल्कि उसके कला पक्ष या आर्ट या फॉर्म पर दिया जाता है। जैसे कि राम की शक्ति पूजा है, राम की शक्ति पूजा नाना की बहुत ही प्रसिद्ध कविता है और इसकी विषय वस्तु यह है कि भगवान राम और रावण का युद्ध हो रहा है लेकिन राम जो है रावण पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, यह उसकी विषय वस्तु है। लेकिन संरचनावाद के अध्ययन के अंतर्गत जब हम राम की शक्ति पूजा की विवेचना करेंगे तब हमको इस विषय वस्तु या कंटेंट से कोई लेना देना नहीं है बल्कि हमको यह देखना है कि इसके लिखने का स्टाइल कैसा है, फॉर्म कैसा है। जैसे राम की शक्ति पूजा शक्ति छंद के अंतर्गत लिखी गई है और उसमें संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, तो संरचनावाद के अंतर्गत हम इन चीजों का अध्ययन करेंगे कि राम की शक्ति पूजा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली के अंतर्गत लिखी गई है और इसमें शक्ति छंद का प्रयोग किया है निराला जी ने। तो यहाँ पर निराला जी महत्वपूर्ण नहीं है या विषय वस्तु महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ ना तो कवि महत्वपूर्ण है और ना ही वह विषय वस्तु महत्वपूर्ण है जिस विषय वस्तु के आधार पर राम की शक्ति पूजा लिखी गई है। यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है, उनका प्रेजेंटेशन कैसा है, स्टाइल कैसा है, फॉर्म कैसा है, यह महत्वपूर्ण है। तो संरचनावाद इसी पर बल देता है, कला पक्ष पर। संरचनावाद में कविता या किसी भी कृति के शब्द विधान मतलब वर्डिंग या वोकैबुलरी, भंगिमा जेस्चर, प्रतीक सिंबल, संदिग्धता एम्बिग्युटी आदि शिल्पगत तत्वों पर बारीकी से विचार किया जाता है। तो संरचनावाद के अंतर्गत शब्दों, उनका स्टाइल, प्रेजेंटेशन, इन सब पर, प्रतीक पर, बिंब पर, इन सब पर विचार किया जाता है। इसके अंतर्गत काव्य भाषा, पोएटिक लैंग्वेज पर गंभीर चिंतन किया जाता है। जैसे मैं बता चुका हूँ काव्य भाषा, जैसे निराला की शक्ति, राम की शक्ति पूजा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली में लिखी गई है, तो यह हो गई उसकी काव्य भाषा हो गई, पर गंभीर चिंतन किया जाता है। साथ ही उसके साथ ही काव्य में परंपरा और उसकी अखंडता को महत्व प्रदान किया जाता है। साथ ही काव्य में जो परंपरा, परंपरा से प्राप्त जो राम कथा है ना, तो उस काव्य की परंपरा है, परंपरा को महत्व दिया जाता है, उसकी अखंडता को महत्व प्रदान किया जाता है। मतलब उसकी संरचना ऐसी होनी चाहिए जो हमको अखंड प्रतीत हो, कहीं भी कोई कमी महसूस ना हो और हमको यह पता चलना चाहिए कि उस काव्य भाषा के प्रत्येक अवयव, प्रतीक, बीम, छंद, शब्द, पद सब आपस में इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि उनको एक दूसरे से अलग करना मुश्किल है और वो उसको पूर्णता प्रदान करते हैं संरचना को। अब हम देखते हैं संरचनावाद के मूल तत्व क्या क्या होते हैं, किन चीजों से मिलकर संरचनावाद बना है, फंडामेंटल्स ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। यह संरचनावाद जो है नई समीक्षा के अंतर्गत आता है जिसे न्यू क्रिटिसिज्म कहते हैं। नई समीक्षा के अंतर्गत संरचनावाद एक नई समीक्षा पद्धति है, संरचनावाद भी एक नई समीक्षा पद्धति है जो नई समीक्षा के अंतर्गत आता है जिसके अंतर्गत किसी रचना का संरचनावादी सिद्धांतों के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। संरचनावादी सिद्धांत मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि संरचनावादी सिद्धांत के अंतर्गत किसी कृति की संरचना का अध्ययन किया जाता है, खासकर भाषागत संरचना का। नई समीक्षा का मुख्य प्रतिपाद्य विषय यह है कि समीक्षा का विषय साहित्यकार ना होकर उसकी कृति होनी चाहिए। तो नई समीक्षा साहित्यकार अर्थात लेखक या कवि के बजाय उसकी कृति को अधिक महत्व देता है, अर्थात नई समीक्षा जो है साहित्यकार अर्थात लेखक या कवि को कोई महत्व नहीं देता, वह उसकी कृति को महत्व देता है। इसका कारण यह था कि मनोविश्लेषणवाद और अस्तित्ववाद के प्रभाव में आकर साहित्य समीक्षा की प्रवृत्ति भी कृति की अपेक्षा कृतिकार के विश्लेषण में अधिक रस लेने लगी थी। उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप इस नई समीक्षा का विकास हुआ। नई समीक्षा का विकास क्यों हुआ, क्योंकि जो मनोविश्लेषणवाद है या फिर अस्तित्ववाद है इसके अंतर्गत किसी कृति की विवेचना करते समय उसका जो लेखक है या उसकी कवि है उसका विश्लेषण अधिक किया जा रहा था और कृति को कोई महत्व प्रदान नहीं किया जा रहा था। तो इसी की प्रतिक्रिया स्वरूप, इसी के विरोध स्वरूप नई समीक्षा ने जन्म लिया। मतलब यह उसका उल्टा कर दिया, इसने कृतिकार को अलग कर दिया, उसको कोई महत्व प्रदान नहीं किया और यह कृति को महत्व देता है। तो जहां मनोविश्लेषणवाद या अस्तित्ववाद किसी लेखक या कवि को महत्व देता है वहीं पर नई समीक्षा के द्वारा कृति को अधिक महत्व प्रदान किया जाता है और नई समीक्षा के अंतर्गत आता है संरचनावाद। जब हम किसी कृति पर विचार करते हैं तब सबसे पहले हमारे सामने उसकी भाषाई संरचना
लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर आती है और यही भाषिक संरचना संरचनावाद का प्रमुख विचार बिंदु है। मतलब जैसे हम किसी कृति को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने क्या आता है, उसकी भाषा आती है कि यह किस भाषा में किस स्टाइल में किस शैली में लिखा हुआ है, और यही संरचनावाद का प्रमुख विचार बिंदु है कि उसकी भाषा कैसी है, किसी कृति की भाषा कैसी है, भाषाई संरचना कैसी है, लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर कैसी है, और यही संरचनावाद का प्रमुख विचार बिंदु है। शब्दावली मतलब वोकैबुलरी, शब्दों की बनावट मतलब स्टाइल, और बुनावट मतलब टेक्सचर, शब्दों की पच्चीकारी शब्दों को सजाना, मोजाइक ऑफ वर्ड्स कि शब्दों को किस प्रकार सजाया जाए, अर्थ का ढांचा स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग कि उन शब्दों से कैसा अर्थ निकल रहा है, शब्दार्थगत श्लेष, श्लेष जो अलंकार होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अनेकार्थता, सेमेंटिक पंच मतलब एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ जिसको श्लेष अलंकार बोलते हैं, संदेह एम्बिग्यूटी विरोधाभास ये सब अलंकार है, कॉन्ट्राडिक्शन, सादृश्य विधान एनालॉगी, सादृश्य विधान मतलब दो चीजें एक जैसी दिखाई कैसे देती हैं, एक जैसा दिखाई देना, भावावेश, इंटरनल टेंशन जब हम अपने इमोशन को अभिव्यक्त करते हैं इसको बोलते हैं भावावेश, इमोशंस फीलिंग्स, आद्यंत गति शुरू से आखिर तक पढ़ने में किसी काव्य को एक गति महसूस होती है, जैसे राम की शक्ति पूजा को आप पढ़ेंगे तो आपको एक गति महसूस होगा, और अर्थ निर्वाह एक्सटर्नल टेंशन मतलब शब्दों से जो अर्थ ध्वनित होता है, आदि अनेक प्रकार की सजावट या अलंकृति आदि नई समीक्षा के अंतर्गत संरचनावाद में विचारें होती है। मतलब संरचनावाद के अंतर्गत हम किसी कृति में इन सभी भाषाई पहलुओं को भाषाई संरचना का अध्ययन करते हैं कि वे किस प्रकार आपस में जुड़े हुए हैं और इनसे किस प्रकार का अर्थ प्रतिध्वनित हो रहा है। संरचनावाद में शब्द विधान के साथ साथ प्रतीक विधान, लय शब्द भंगिमा विरोधाभास तनाव आदि को लेकर अलग अलग समीक्षकों ने विचार किया। संरचनावाद के अंतर्गत समीक्षकों ने इन सब चीजों पर विचार किया है, प्रतीकवाद बिंबवाद आदि। संरचनावाद में शब्द विधान और अर्थ विधान की समन्विति या बुनावट है, शब्द विधान प्रधान होता है और वही मुख्य काव्य सौंदर्य संपादित करता है। मतलब संरचनावाद के अंतर्गत शब्द विधान और अर्थ विधान एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और जो शब्द विधान होता है यह महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। शब्द विधान मतलब शब्दों का प्रयोग किस तरह से किया गया है, शब्दों को किस प्रकार सजाया गया है, और इसी से जो काव्य का मुख्य सौंदर्य इसे प्रतिध्वनित होना होता है। मतलब अच्छे शब्दों का चयन किया गया है और शब्दों को सही जगह पर रखा गया है। भंगिमा मतलब होता है जेस्चर। भंगिमा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, शब्द रचना, लय, छंद, अलंकार आदि सभी कुछ आ जाते हैं, तो इसका भी यहाँ पर अध्ययन किया जाता है थोड़ा बहुत। संरचनावाद में मूल दृष्टिकोण यही है कि कृति में यह देखा जाए कि वस्तु मतलब कंटेंट, भाव मतलब एक्सप्रेशन, और विचार पक्ष आइडियोलॉजी किस प्रकार संरचना अर्थात शब्द, लय, अलंकृति या कथन की भंगिमा में मिलकर एक रूप हो गया है, और दोनों पक्ष मिलकर उस रचना को क्या आभा, क्या कांति, क्या सौंदर्य प्रदान करते हैं। मतलब संरचनावाद के मूल में यह है कि किसी कृति का जो वस्तु है, जो कंटेंट है, उसमें प्रयुक्त जो भाषा शैली है, जो छंद है, जो अलंकार है, जो भाव भंगिमा है, वो सब किस प्रकार एक दूसरे से मिले हुए हैं और वे इस कृति को किस प्रकार से सौंदर्य प्रदान करते हैं, सुंदरता प्रदान करते हैं, कि वह आपस में उनका प्रयोग इस प्रकार से किया गया है, वो इस प्रकार से संबंधित है कि किसी रचना को उदात्त स्वरूप प्रदान करते हैं। जैसे लंजाइनस है ना, लंजाइनस पाश्चात्य विचारक है, उन्होंने उदात्त की अवधारणा दी है, तो ये सब मिलकर किसी काव्य को उदात्तता प्रदान करते हैं, सब्लिमिटी प्रदान करते हैं। अब हम देखेंगे कि संरचनावाद की अवधारणा का मूल स्रोत क्या है। मूल स्रोत मतलब बेसिक सोर्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। संरचनावाद की अवधारणा कहां से आई, इसमें क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है, यह देखेंगे हम लोग। बेसिक सोर्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद की अवधारणा का मूल स्रोत भाषा विज्ञान के प्रोफेसर सस्योर द्वारा प्रतिपादित भाषा सिद्धांत है। संरचनावाद का जन्म कहां से हुआ है, भाषा सिद्धांत से हुआ है, और यह कहां इसके किसने इसको जन्म दिया है, प्रोफेसर सस्योर की अवधारणा है। सस्योर के अनुसार भाषा के दो रूप होते हैं, प्रथम ल लांग इसको बोलते हैं भाषा व्यवस्था या भाषा, तथा दूसरा होता है ल परोल भाषा व्यवहार या वाक। ल लांग को अंतर्वैयक्तिक या पारस्परिक भाषा व्यवस्था कहा जाता है। लांग मतलब होता है भाषा व्यवस्था,
भाषा की जो व्यवस्था है जिसमें व्याकरण वगैरह सब शामिल है, तो भाषा की व्यवस्था को कहते हैं लांग, या भाषा का अमूर्त रूप होता है। और इसी लांग के माध्यम से समाज के लोग एक दूसरे से विचार विनिमय करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, इसको बोलते हैं लांग। ल परोल को व्यक्ति विशेष की भाषा कहा जाता है। उन्होंने कहा कि भाषा एक व्यवस्था है जबकि वाक उसका व्यवहारिक रूप है। लांग क्या होता है? लांग होती है भाषा, और परोल क्या होता है? वाक। तो लांग भाषा की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। और परोल क्या होता है? परोल किसी व्यक्ति की भाषा होती है, किसी इंडिविजुअल की भाषा होती है, व्यक्तिगत भाषा होती है। तो परोल जो है भाषा का व्यवहारिक रूप है। भाषा क्या है? भाषा अमूर्त होती है, और जो जो यह है मतलब लांग जो है अमूर्त होता है, और परोल जो है मूर्त होता है, जिसके माध्यम से समाज के लोग हर व्यक्ति अपनी भाषा में बात करता है। तो ल लांग क्या होता है? मतलब संक्षेप में कहने का मतलब यह है कि ल लांग जो होता है वह भाषा होता है, और जो परोल होता है वह होता है वाक। भाषा होती है भाषा की व्यवस्था, लांग होती है भाषा की व्यवस्था, और परोल होता है भाषा का व्यवहार। अब परोल के माध्यम से प्रत्येक इंडिविजुअल अपने विचारों को व्यक्त करता है। ल लांग अंतः संबंधित प्रतीकों की ऐसी सामान्य व्यवस्था है जो पूरे समाज में वैचारिक संप्रेषण संभव बनाती है। यह व्यवस्था भाषा समूह के सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य होता है। भाषा समूह मतलब जैसे हिंदी बोलने वाले हैं एक भाषा समूह है कि सभी हिंदी भाषी एक भाषा समूह है, तमिल बोलने वाले एक भाषा समूह है। तो लांग क्या होता है? प्रतीकों की एक सामान्य व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज के लोग आपस में बातचीत करते हैं, विचार विनिमय करते हैं, और अपने बात को संप्रेषित करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, अपने विचारों को कम्युनिकेट करते हैं लांग के माध्यम से। अब परोल क्या होता है? तो लांग जो है वह प्रत्येक भाषा समूह के लिए अनिवार्य होता है। अब परोल क्या होता है? ला परोल का क्षेत्र सीमित होता है। इसका क्षेत्र क्यों सीमित होता है? व्यक्ति भेद से उसका रूप बदल जाता है। मतलब लांग का रूप तो नहीं बदलता, लेकिन परोल का रूप अलग अलग व्यक्ति अपने अपने हिसाब से बात करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए जो इच्छा है, ये जो सिक्स लिखा हुआ है, इसको यदि कोई बिहार का व्यक्ति रहेगा तो वह बोलेगा अच्छा हो, छत्तीसगढ़ का व्यक्ति रहेगा तो बोलेगा अच्छा है। और जो ये जो है अच्छा, ये अच्छा मानक हिंदी है, तो ये जो मानक हिंदी है यह इसका लांग है। मानक हिंदी इसका क्या हो गया? लांग हो गया। और ये अच्छा और अच्छा ये क्या हो गया? परोल हो गया। अब आप समझ पा रहे होंगे, यदि बिहार का व्यक्ति है तो अच्छा को क्या बोलेगा? अच्छा बोलेगा। छत्तीसगढ़ का व्यक्ति है तो बोलेगा अच्छा है। तो ये दोनों परोल हो गए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग प्रांत का होने के कारण अपने हिसाब से इसका उच्चारण कर रहा है, तो यह हो गया परोल। और लांग क्या हो गया? लांग हो गया भाषा की व्यवस्था, जो स्टैंडर्ड है, जो मानक है। तो मानक भाषा क्या है? इसको बोलते हैं छह या छह, तो यह मानक हिंदी है। तो दो व्यक्ति है, अजय या फिर अमित। अजय का परोल अमित से भिन्न होगा। अजय का जो बोलने का स्टाइल है, जो उच्चारण होगा, अमित से भिन्न होगा। परोल स्वच्छंद भी है और परिवर्तनशील भी है। बोलते हैं कि 10-12 कोस में पानी पानी जैसे जैसे चेंज होता है वैसी भाषा भी बदल जाती है। मतलब 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर हम जाएंगे, 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर जाएंगे तो भाषा बदल जाती है। तो यह परोल है, इसीलिए परोल स्वच्छंद भी होता है, स्वतंत्र होता है, और परिवर्तनशील भी है। परोल में परिवर्तन भी होता रहता है। उसका वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है, इसी कारण परोल का वैज्ञानिक अध्ययन करना संभव नहीं हो पाता। लांग नियमों से ही परोल नियंत्रित होता है, लेकिन लांग जो है स्टैंडर्ड भाषा है ना, मानक भाषा है, इसके आधार पर परोल नियंत्रित होता है। भले कोई व्यक्ति छह बोले या छह बोले, लेकिन समाज में जो स्टैंडर्ड भाषा है, मानक भाषा है, वह क्या है? छह है। तो यह परोल को नियंत्रित करता है। परोल व्यक्ति भाषा के रूप में ही लांग खंडसा मूर्त होता है, लेकिन परोल जो है इंडिविजुअल की भाषा तो है, लेकिन यह जो लांग है उसको मूर्त रूप प्रदान करता है ना। हम जो बोलते हैं, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं इसी परोल के माध्यम से, और यह भाषा को एक मूर्त रूप प्रदान करता है। कुल मिलाकर लांग जो है वह भाषा का अमूर्त रूप है, और लांग को बोलते हैं भाषा व्यवस्था, और परोल को बोलते हैं भाषा व्यवहार। परोल के आधार पर भाषा के नियमों का अनुसंधानी संरचना है। परोल के आधार पर भाषा के नियमों का अनुसंधान करना, भाषा के जो नियम है उनकी समीक्षा करना, यह संरचनावाद के अंतर्गत आता है। प्रसिद्ध नृतत्व शास्त्री लेवी स्ट्रास
मतलब जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है लेवी स्ट्रास ने इसी सिद्धांत को मिथकों या पुराख्यानों के अध्ययन पर भी लागू किया है। मतलब इसी के आधार पर जो लेवी स्ट्रास है उन्होंने मिथकों या पुराख्यान, पुरानी जो कहानियां हैं हमारे, पुराणों है, पुराणों का अध्ययन है, इसको कैसे इनका अध्ययन करना है इसी आधार पर उनका अध्ययन किया है। उनके अनुसार मूल मिथक लॉन्ग है तो उसका अलग अलग रूप परोल है। जैसे रामायण है, रामचरितमानस है, जो रामायण है वाल्मीकि रामायण पहला रामायण है जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, तो यह हो गया लॉन्ग। मूल मिथक क्या हो गया? लॉन्ग वाल्मीकि रामायण। उसके बाद जो अलग अलग कवियों ने जो लिखा है, जैसे रामचरितमानस अवधि में लिखा है तुलसीदास जी ने, या फिर कंब ने लिखा है तमिल भाषा में कंब रामायण, या फिर बांग्ला भाषा में लिखा है कृतिवास रामायण, तो यह हो गया उसका पर्व। यह ध्यान में रखिए, मूल रामायण वाल्मीकि रामायण है, और जो तुलसीदास ने जो लिखा है अवधि में, या फिर जो कंब ने लिखा है तमिल में, या फिर जो कृतिवास रामायण है बांग्ला में, यह सब उसके पर्व हो गए। मिथक के अलग अलग रूपों के सिद्धांत को रोलावार्थ ने प्रश्न दिया है। रोलावार्थ ने भी इसका समर्थन किया है कि मिथक के अलग अलग सिद्धांत होते हैं। दूसरे शब्दों में भाषा संकेतों की एक प्रणाली है। दूसरे शब्दों में भाषा संकेतों की एक प्रणाली है, इसकी अपनी एक संरचना होती है। भाषा संकेतों की एक प्रणाली, इसे समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि प्रत्येक संकेत के दो पक्ष या दो भाग होते हैं। आपको पता है कि भाषा प्रतीकों की एक व्यवस्था होती है ना? प्रतीकों के माध्यम से हम किसी भाषा को लिखते हैं और बोलते हैं। तो भाषा क्या है? संकेतों की एक प्रणाली है, और प्रत्येक संकेत के दो भाग होते हैं। कैसे दो भाग होते हैं? पहला संकेतक, जिसको सिग्निफायर कहते हैं, और दूसरा संकेतिक, सिग्निफाइड। इन दोनों संकेतक और संकेतित से मिलकर किसी चिन्ह या प्रतीक की रचना होती है। मतलब ये दोनों मिलकर प्रतीक की रचना करते हैं, और प्रतीकों के माध्यम से हम भाषा को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। तात्पर्य यह है कि संकेतक का अर्थ संकेत देने वाले किसी भौतिक वस्तु से है। संकेतक क्या है? कोई भौतिक वस्तु है। जैसे इंडिकेटर है तो वह एक भौतिक वस्तु है। जब लेफ्ट मुड़ना होगा तो हम उसको इंडिकेट कर देते हैं, जला देते हैं, तो हमारा लेफ्ट इंडिकेटर जलने लगता है। तो जो इंडिकेटर है वह संकेतक है, संकेत देने वाली एक भौतिक वस्तु है, और जो संकेत देकर हमारे व्यवहार का प्रभावित एवं परिचालित करती है ना? जैसे कि चौराहे पर लगी हुई हरी लाल बत्तियां हैं, लाल बत्ती के जलने पर हम रुक जाते हैं और हरी बत्ती के जलने पर हम चलने लगते हैं। और संकेतित से तात्पर्य उस अर्थ से है जो अर्थ संकेतक को समाज देता है। मतलब संकेतक तो ठीक है, वहां पर लगा हुआ है लाल बत्ती और नीला हरा बत्ती है, लेकिन समाज ने उस संकेतक को अर्थ दिया है। क्या अर्थ दिया है? क्या प्रतिध्वनित होता है? यदि लाल बत्ती जल रही है तब हमको रुकना है, तो रुकने का जो अर्थ है यह समाज ने दिया हुआ है ना, संकेतक को दिया है। संकेतक क्या है? लाल बत्ती है, रेड लाइट। और हरी लाइट जलने पर हम आगे बढ़ जाते हैं, हमको आगे बढ़ना है, यह भी समाज ने उसको अर्थ दिया हुआ है। मतलब संकेतित से तात्पर्य क्या है? संकेतित से तात्पर्य उस अर्थ से है जो अर्थ संकेतक को समाज देता है। संकेतक हो गया हमारा लाल लाइट, और उसे जो संकेत हमको मिल रहा है कि लाल लाइट जलने पर हमको रुकना है, तो यह जो अर्थ संकेतित कहलाता है। संकेतित हो गया अर्थ, और संकेतक हो गया रेड लाइट। उपरोक्त उदाहरण में लाल रंग को खतरे के अर्थ में परिभाषित किया गया है, यह अर्थ समाज द्वारा दिया गया है। मतलब लाल लाइट रुकने पर हमको रुकना है, मतलब यह खतरनाक है, लाल लाइट जल रहा है, मतलब ये हमारे लिए खतरा हो सकता है, तो यह जो अर्थ है समाज ने उसको दिया है। तो यह हो गया संकेतित, अर्थ हो गया संकेतित, और संकेतक हो गया रेड लाइट। तो भाषा के प्रत्येक मतलब संकेत के दो भाग होते हैं, संकेतक और संकेतित। यह सभी चीजें आपको जानना जरूरी है, तभी आप संरचनावाद को पूरी तरह से डिफाइन कर पाएंगे, परिभाषित कर पाएंगे। परीक्षा में इन सबको लिखना जरूरी है, और आपको समझने के लिए तो बहुत जरूरी है ही। संरचनावाद के अनुसार हमें साहित्य कृति को एक विशिष्ट एकता से युक्त संपूर्ण संरचना के रूप में देखना चाहिए। मतलब भले ही संरचना किसी कृति के बहुत सारे अवयव हैं, बहुत सारे घटक हैं, उन सबसे मिलकर वह संपूर्णता को प्राप्त करता है। जैसे मैंने मनुष्य के शरीर का एग्जाम्पल दिया, शरीर मतलब ठीक है शरीर तो है, लेकिन शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना हुआ है, तो हमको कंप्लीट रूप से देखना है, वैसे किसी कृति को देखना है शरीर की तरह। यह संपूर्ण संरचना परत दर परत इतनी जटिल होती है कि इसे अंगभूत उपसंरचनाओं, ध्वनि, छंद, बिंब, पद विन्यास आदि के जाल के रूप में देखा जा सकता है। मतलब
किसी रचना के अंतर्गत, किसी कृति के की जो संरचना है उसके अंतर्गत ध्वनि भी होंगे, छंद भी होंगे, बिंब भी होंगे, प्रतीक भी होंगे, और पद विन्यास भी होंगे, पद भी होंगे, और ये सब आपस में जुड़े रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो यह इनके जाल के रूप में देख सकते हैं। कृति विशेष की जटिल संरचना के विश्लेषण से प्राप्त सिद्धांतों के आधार पर अंततः साहित्य मात्र की रचना के मूल सिद्धांतों का अन्वेषण संरचनावाद का लक्ष्य है। संरचनावाद का लक्ष्य यह है कि कोई कृति जिन अवयवों से मिलकर बनी हुई है उनके आपस में संबंधों की विवेचना करना है, उनका विश्लेषण करना है कि उसकी संरचना कैसी है। अतः संरचनावाद केवल शाब्दिक या भाषिक संरचना है जिसका झुकाव रूपवाद की ओर अधिक है। यह संरचनावाद को अंत में परिभाषित कर दिया गया है कि संरचनावाद क्या है, शाब्दिक या भाषिक संरचना है। संरचनावाद केवल शाब्दिक या भाषिक संरचना है, लेक्सिकल या लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर है जिसका झुकाव रूपवाद की ओर अधिक है, क्योंकि रूपवाद के अंतर्गत भी भाषा को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। किसी कृति की भाषा को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, रूप या स्टाइल या फॉर्म को। अब संरचनावादी मूल्यांकन प्रविधि। संरचनावाद के आधार पर हम किसी कृति या किसी लेख या कविता का मूल्यांकन कैसे करते हैं, उसका इवेल्यूशन कैसे करते हैं। स्ट्रक्चरलिस्ट इवेल्यूशन मेथड, संरचनावाद के अंतर्गत किसी कृति का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा। संरचनावाद संरचनावाद भाषिक दृष्टि से साहित्य का मूल्यांकन के प्रतिमान है। संरचना और संरचनावाद के अंतर्गत हम भाषिक दृष्टि से किसी साहित्य या किसी कृति का मूल्यांकन करते हैं, यह उसका तरीका है या उसका मेथड है। आधुनिक आलोचना में शैली विज्ञान आलोचना भी संरचना पर बल देती है। जो शैली विज्ञान है वह भी संरचना पर विशेष बल देती है, इसका समर्थन करती है आधुनिक आलोचना। संरचना या स्ट्रक्चर एक सावयव या संगीति निष्ठ साकल्य ऑर्गेनिक होल के रूप में होती है। जैसे कि हमारा शरीर है जो विभिन्न अंगों से मिलकर बना है, ऐसी ही संरचना किसी वस्तु व्यवस्था अथवा साहित्य कृति की भी हो सकती है। संरचना विभिन्न भाषिक तत्वों जैसे कि ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य और अर्थ के बीच अन्वय संबंधों अर्थात यूनिटी पर निर्भर करती है। संरचना क्या होता है, मतलब कि कोई भी कृति विभिन्न भाषिक तत्वों से मिलकर बना होता है, जैसे कि ध्वनि है, शब्द है, पद है, वाक्य है और अर्थ है, और इन सब के बीच में एक यूनिटी होती है, एक एकता होती है। इन सब के से मिलकर किसी साहित्यिक कृति की संरचना का निर्माण होता है, और संरचनावाद के अंतर्गत हम इसी का अध्ययन करते हैं। जैसे मनुष्य का शरीर है, संरचना की इसी प्रकृति के कारण संरचना स्वयं में प्रेक्षणीय दृष्टिगोचर नहीं होती है, किंतु उसका परिज्ञान प्रेक्षण द्वारा किया जाता है, जो कि दो प्रकार की होती है। मतलब संरचनावाद के अंतर्गत जब हम किसी कृति की विवेचना करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो वह प्रेक्षण के आधार पर करते हैं। आज यह प्रेक्षण क्रिया है, मतलब देखने का ऑब्जर्वेशन का जो टेक्निक है वह दो तरह का होता है। मतलब किसी कृति का मूल्यांकन जब हम संरचनावाद के अंतर्गत करते हैं तो उसका दो टेक्निक होता है, दो तरीका होता है। पहला होता है भाववादी, दूसरा होता है वस्तुवादी। भाववादी मतलब सेंटिमेंटलिस्ट, जिसमें इमोशंस का की विवेचना की जाती है, इमोशंस एंड फीलिंग्स, कि किसी कृति में किस भावना की अभिव्यक्ति हुई है। और जो वस्तुवादी होते हैं ऑब्जेक्टिविस्ट, ये लोग उसकी भाषा की दृष्टि से उसकी समीक्षा करते हैं। आगे देखते हैं, भाववादी समीक्षा के अपेक्षक किसी कृति की अभ्यंतर प्रकृति मतलब इंटरनल नेचर को स्वयं समझना चाहता है, और उसकी व्याख्या स्वयं की गई आत्मगत व्याख्या होती है, अर्थात वह कृति में अंतर्निहित भाव की व्याख्या करता है। तो भाववादी जो समीक्षक होता है वह अपने आधार पर किसी कृति में जो अभिव्यक्त की गई जो भावनाएं हैं उनको समझने का प्रयास करता है, उनकी व्याख्या करने का प्रयास करता है, मतलब यह भावना से संबंधित है। जबकि वस्तुवादी समीक्षक संरचना का केंद्र व्यक्ति को न मानकर वस्तु या कृति को मानता है। तो भाववादी समीक्षक क्या है, भावनाओं का अध्ययन करता है, भावनाओं की समीक्षा करता है, इमोशंस और फीलिंग्स की विवेचना करता है। लेकिन वस्तुवादी समीक्षक क्या करता है, वह व्यक्ति को केंद्र नहीं मानता, लेखक या कवि को केंद्र नहीं मानता, बल्कि वह कृति को केंद्र मानता है। इस प्रकार संरचना प्रचंड रूप से कृति की आंगिकता में निहित रहती है। इट मीन्स द स्ट्रक्चर इम्प्लिसिटली लाइज इन द ओरिजिनिटी ऑफ द वर्क। जो वस्तुवादी समीक्षा है वह भाषाई दृष्टि से किसी कृति की समीक्षा करता है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब वह ओरिजिनल वर्क पर काम करता है कि ओरिजिनल जो लेखन है, जो कृति है, उसकी समीक्षा करता है। तो भाववादी और भाववादी या वस्तुवादी को इस तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे एक मकान है, कोई घर है, तो भाववादी समीक्षक बाहर से मकान को देख लेगा, बता देगा कि मकान बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है,
व्हाइट वॉश अच्छे से हुआ है, बाहर से बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, तो ये भाववादी समीक्षा हो गई। लेकिन जो वस्तुवादी समीक्षक है वह क्या बताता है, वह कमरे घर के अंदर जाकर देखता है कि इसमें कितने बेडरूम हैं, कितने टॉयलेट हैं, अटैच टॉयलेट है कि नहीं है, भगवान का कमरा है कि नहीं, कॉरिडोर कैसा है, तो वह सारी चीजों को अंदर घुसकर उसकी समीक्षा करता है कि आपस में एक दूसरे से किस तरह जुड़े हुए हैं। तो भाववादी सिर्फ बाहर से देखता है और जो वस्तुवादी होता है उसके अंदर में जाकर देखता है। संरचनावादी समीक्षक शैली वैज्ञानिक अर्थात वस्तुवादी अवधारणा के पक्षधर है। तो संरचनावादी समीक्षक कौन होते हैं, जो शैली वैज्ञानिक अर्थात वस्तुवादी अवधारणा, वस्तुवादी अवधारणा मतलब जो कंटेंट की भाषा को महत्व देते हैं उसके पक्षधर है, अर्थात भाषाई दृष्टिकोण से कृति की समीक्षा करते हैं। तो जो संरचनावादी समीक्षक होते हैं वे भाषाई दृष्टिकोण से किसी कृति की समीक्षा करते हैं। अतः संरचनावाद में केंद्रवर्ती बिंदु कृति है ठहरती है, कृति का अर्थ हुआ समीक्षक नहीं। मतलब संरचनावाद का जो महत्वपूर्ण भाग है वह है कृति है, उसमें जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह है कृति का अर्थ हुआ समीक्षक नहीं है। मतलब जो संरचनावाद है किसी लेखक या कवि को महत्व देने के बजाय सिर्फ उसकी कृति को महत्व प्रदान करता है, उसकी जो भाषाई अवधारणा है भाषाई दृष्टिकोण से उसकी समीक्षा करता है और भाषा को अधिक महत्व प्रदान करता है। अब यह संरचना के आधार अवधारणा के आधारभूत तत्व क्या है, संरचना अभी तक हमने देखा संरचनावाद, हम देखते हैं संरचना स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर किन चीजों से मिलकर बनता है। फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर, फंडामेंटल्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना की अवधारणा के आधारभूत तत्व। अब संरचना क्या होती है देखेंगे, संरचना की अवधारणा तीन आधारभूत तत्वों पर निर्भर है। मतलब संरचना का जो कॉन्सेप्ट है तीन चीजों पर निर्भर करता है, पहला है अखंडता, दूसरा है मतलब होलनेस बोलते हैं अखंडता को, दूसरा है प्रयोजन या पर्पस, और तीसरा है स्वायत्तता या फिर ऑटोनॉमी। ये तीनों मिलकर ही किसी संरचना को पूर्णता प्रदान करते हैं। संरचना के लिए पूर्णता की शर्त अनिवार्य है, हम संरचना तभी कहेंगे जब वह पूर्ण होगी, और पूर्ण कब होगी, उसके तीन आधारभूत तत्व हैं, पहला है अखंडता या होलनेस। अखंडता का संबंध आंतरिक संगति इंटरनल कंसिस्टेंसी से है, किसी भी कृति के विभिन्न संघटक अंगों में एक विशेष अनुमिति होती है, यूनिटी होती है। कृति के संघटक तत्वों जैसे शब्द, पद, पदबंध, वाक्य विन्यास में परिवर्तन करने से, वाक्य संरचना अथवा वाक्य विन्यास में परिवर्तन करने से अर्थ परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए रंगीन पोशाक और रंगीन मिजाज में शब्द संसर्ग के कारण संगीत का रंगीन का अर्थ अलग अलग है। अखंडता क्या होता है, अखंडता का तात्पर्य है कि जो कृति के जो संघटक तत्व हैं जिनसे मिलकर कृति का निर्माण हुआ है, शब्द, पद, पदबंध, वाक्य विन्यास, इन सब की आपस में यूनिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, वे इस प्रकार से जुड़े होने चाहिए कि वे किसी संरचना को पूर्णता प्रदान करें। मतलब आपस में एक लय होनी चाहिए, एक क्रमबद्धता होनी चाहिए, एक संबंध होना चाहिए, नियमानुसार संबंध से जुड़े होने चाहिए, व्याकरण होना चाहिए। अगर इनमें से किसी में भी परिवर्तन होता है तो अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। मतलब अगर हम संज्ञा की जगह में विशेषण रख देंगे, विशेषण की जगह में संज्ञा रख देंगे तो अर्थ परिवर्तन हो जाता है। अलग अलग शब्दों का प्रयोग अलग अलग जगह करने से उनके अर्थ बदल जाते हैं। जैसे कि रंगीन पोशाक, रंगीन पोशाक मतलब होता है कलरफुल क्लोथ्स, है ना, रंगीन कपड़े, और रंगीन मिजाज मतलब होता है अयास व्यक्ति, रंगीन मिजाज को कहते हैं अयास, अयासी करने वाला व्यक्ति हो जाता है। तो शब्द तो रंगीन है लेकिन जब पोशाक के साथ जुड़ा हुआ है तब वह रंग को अभिव्यक्त कर रहा है, और जब मिजाज के साथ जुड़ा हुआ है तो वह किसी व्यक्ति के मिजाज को बता रहा है, रंगीन मिजाज, उसके मूड को बता रहा है कि किस टाइप का व्यक्ति है वो। तो पोशाक के साथ जब यह जुड़ा है तब यह रंग को व्यक्त कर रहा है, और मिजाज के साथ यह जुड़ा है तो यह मूड या स्टाइल को व्यक्त कर रहा है कि उस व्यक्ति की शैली कैसी है, किस तरह का व्यक्ति है, उसके व्यक्तित्व को बता रहा है। तो देखिए पोशाक और मिजाज के कारण रंगीन का अर्थ अलग अलग हो गया है, तो इसको बोलते हैं अखंडता। इसके बाद है प्रयोजन या पर्पस। संरचना अपनी अर्थवत्ता से जुड़ी है, संरचना अपनी अर्थवत्ता से जुड़ी है मतलब प्रत्येक शब्द को प्रयोग करने का एक प्रयोजन होता है, प्रत्येक शब्द का अलग अलग अर्थ निकलता है, एक ही शब्द का अलग जगह में प्रयोग करने से अलग अर्थ निकलता है। तो संरचना में अर्थवत्ता बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मतलब मीनिंग। कवि विशेष प्रयोजन से शब्द का प्रयोग अलग अलग प्रकार से करता है, मतलब जो अलग अलग कवि हैं वो एक ही शब्द का प्रयोग अपने अपने अनुसार करते हैं, शब्द तो एक ही है लेकिन कवि उसका प्रयोग अपने उद्देश्य के आधार पर करते हैं, प्रयोजन के आधार पर करते हैं, अर्थात
शब्द का अर्थ उसके प्रयोजन पर निर्भर करता है। अर्थात शब्द का वास्तव में एक सामान्य से अर्थ भले होता है, लेकिन जो शब्द का जो मूल अर्थ होता है वह प्रयोजन पर निर्भर करता है, उद्देश्य पर निर्भर करता है कि किस उद्देश्य से, किस प्रयोजन से हमने उस शब्द का प्रयोग किया है। जैसे कि कपड़े सीना, यहाँ सीना है, यहाँ भी सीना है। कपड़े सीना मतलब क्या होता है? कपड़े की सिलाई करना। घाव सीना मतलब जो घाव में टांका लगाते हैं डॉक्टर लोग, घाव सीना। दवा पीना, दवा पीना मतलब दवाई पीते हैं हम बीमारी में। और खून पीना, खून पीना मतलब यह है कि आप किसी को पूरा निचोड़ लेते हैं, उसको आर्थिक रूप से हानि पहुंचा देते हैं, खून चूस लेते हैं उसका, जैसे सामांतर वो लोग करते थे। खून पीना, खून चूस लेना, जैसे जोंक भी खून पीता है, खटमल भी खून पीते हैं, जुआ भी खून पीता है। जो अमीर लोग हैं वो लोग जो शोषक वर्ग हैं, शोषितों का खून पीते हैं, शोषण करते हैं, ये सब खून पीना है। और साबुन से हाथ धोना, सामान्य रूप से जब हम साबुन से हाथ धोते हैं, अभी कोरोना का टाइम में हम लोग बहुत ज़्यादा हाथ धोना चालू कर दिए, तो साबुन से हाथ धोना हो गया। और जान से हाथ धोना मतलब मर जाना। तो देखिए शब्द वही है, सीना सीना, पीना पीना, हाथ धोना हाथ धोना, लेकिन इनका जो प्रयोजन है उसके हिसाब से इनके अर्थ बदल गए हैं। तो संरचना के आधारभूत तत्व में अखंडता हमने देख लिया, सभी तत्व आपस में मिले जुले होने चाहिए, उनमें एक यूनिटी होनी चाहिए और प्रयोजन होना चाहिए। शब्दों का प्रयोग किसी विशेष उद्देश्य से कोई कभी करता है। तो यहाँ प्रथम प्रयोग है, प्रथम प्रयोग मतलब हमने देखा कपड़े सीना, दवा पीना, साबुन से हाथ धोना, इनका सामान्य अर्थ में प्रयोग है। क्योंकि द्वितीय प्रयोग जो है, द्वितीय प्रयोग यह है घाव सीना, खून पीना, जान से हाथ धोना, विडंबनापूर्ण दुखात्मक एवं हिंसक प्रवृत्तियों को रूपायित करने के लिए इनका प्रयोग किया गया है। तो एक विशेष अर्थों में इनका प्रयोग हुआ है। तीसरा स्वायत्तता या फिर ऑटोनॉमी, संरचना का तीसरा आधारभूत तत्व है ऑटोनॉमी। अपनी सत्ता के लिए संरचना किसी अन्य पर आश्रित नहीं होती है, मतलब जो संरचना है वह अपने आप में कंप्लीट होती है, अपने आप में पूर्ण होती है, वह किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती, वह सिर्फ अपने आधारभूत संघटक तत्वों पर निर्भर करती है। संरचना के संघटक तत्वों के घात प्रतिघात संघर्ष से ही उसका अर्थ व्यक्त होता है, मतलब किसी संरचना के जो संघटक तत्व हैं, जो उसके अवयव हैं, जिनसे मिलकर वह संरचना बनी है, वह सिर्फ उन्हीं के घात प्रतिघात अर्थात संघर्षों पर निर्भर करती है। मतलब विशेषण के संज्ञा के साथ विशेषण लगा हुआ है, क्रिया विशेषण लगा हुआ है, आपस में वह किस तरह जुड़े हुए हैं, सिर्फ इन्हीं पर वह निर्भर करता है। मतलब वह स्वायत्त होती है, कोई भी संरचना स्वायत्त होती है, ऑटोनॉमी होती है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती, बल्कि वह सिर्फ अपने अवयवों पर निर्भर करती है कि वे उसके अवयव या संघटक तत्व किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं। अब हम संरचनावाद की मूल मान्यताएं क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप समझते समझते आप समझ गए होंगे संरचनावाद क्या है। तो इसकी मूल मान्यताएं क्या है, बेसिक बिलीफ्स ऑफ स्टकलिज्म, संरचनावाद की मूल मान्यताएं क्या क्या है अब हम यहाँ पर देखते हैं। तो संरचनावाद का मूल आधार है भाषिक दृष्टि से साहित्य का मूल्यांकन। संरचनावाद के अंतर्गत भाषिक दृष्टि से किसी साहित्य का मूल्यांकन किया जाता है कि उसमें किस प्रकार की भाषा प्रयोग की गई है। संरचनावाद का संबंध प्रसिद्ध भाषाविद सस्यूर के भाषा संबंधी अध्ययन से है। संरचनावाद का संबंध भाषाविद जो सस्यूर हैं उनके भाषा संबंधी अध्ययन से है। तीसरा, संरचनावाद का संबंध भाषा से है। जॉन लॉक की मान्यता है कि भाषा का स्वरूप बड़ा जटिल है, शब्द का सामान्य अर्थ में भी प्रयोग हो सकता है और विशिष्ट अर्थ में भी। तो जॉन लॉक नाम के जो विद्वान है उनका मानना है कि भाषा का स्वरूप बहुत ही जटिल होता है, क्योंकि हम एक ही शब्द को सामान्य रूप से भी प्रयोग कर सकते हैं और विशेष रूप से भी प्रयोग कर सकते हैं, विशिष्ट अर्थ में भी उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यह जटिल प्रणाली है, भाषा की प्रणाली जटिल होती है। अब सस्यूर भाषा के दो तत्वों का उल्लेख करता है, परोल अर्थात भाषा का भौतिक पक्ष, परोल हो गया भाषा का भौतिक पक्ष मतलब जिससे हम जो परल मतलब जो भाषा का जो वो पक्ष है, व्यवस्था है ना, भाषा की जो व्यवस्था है, भाषा का भौतिक पक्ष है। तथा लैंग्वी जो भाषा का मनोवैज्ञानिक पक्ष है, जिसको हम व्यवहार में लाते हैं। परल क्या हो गया, भौतिक पक्ष हो गया है ना, भाषा व्यवस्था हो गया, और लैंग्वी मतलब मनोवैज्ञानिक पक्ष है जिसको हम प्रयोग में लाते हैं। लैंग्वी और परल, लैंग्वी के बोलते हैं भाषा और परल को बोलते हैं वाक की प्रक्रिया संरचना और संरचनावाद की जड़ में है। ऊपर भी मैं बता चुका हूँ आपको, संरचना का परिवर्तन शब्दार्थ के परिवर्तन को व्यक्त करता है। मतलब यदि हम संरचना में परिवर्तन करते हैं तो शब्द के अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए कबीर और बिहारी के दो दहेदेह देखते हैं। मतलब यदि हम संरचना में परिवर्तन करते हैं तो शब्द के अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। तो देखते हैं, जैसे कि
माली आवत देख कह कलियन करी पुकार, फूली फूली चुनी लई काल हमारी बार। तो देखिए कबीरदास जी कहते हैं, और यहाँ पर बिहारी जी क्या बोलते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर नहीं, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। तो यहाँ बिहारी है। उक्त तो दोनों दोहों में कली शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थ में हुआ है। कबीर ने कली या कलियन का प्रयोग नश्वर जीव की नश्वरता को व्यक्त करने के लिए किया। कबीरदास जी ने यहाँ पर कलियन का जो प्रयोग किया है वह किस लिए किया है कि हमारा शरीर नश्वर है, एक दिन हमको चले जाना है इस दुनिया को छोड़कर। तो यहाँ पर कली का प्रयोग नश्वर शरीर के लिए किया है कबीरदास जी ने। लेकिन जो बिहारी ने, तो बिहारी ने कली का प्रयोग अल्पायु में विवाहित किशोरी के लिए किया है। वस्तुतः यह अर्थ भेद प्रयोजन भेद के कारण है। लेकिन यहाँ पर नहीं पराग नहीं मधुर नहीं, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सब। यहाँ पर जो कली है, यहाँ जो कली का प्रयोग हुआ है वह कम उम्र की नायिका के लिए प्रयोग हुआ है, कमसिन नायिका के लिए प्रयोग हुआ है, या फिर अल्प आयु में विवाहित किशोरी के लिए किया गया है। जो बाल विवाह जैसे होता है, किशोरियों की जो शादी हो जाती है, तो यहाँ पर जो कली है वह किशोरी है जिसकी कम उम्र में शादी हो गई है, और यहाँ पर जो कली है यह हमारा नश्वर शरीर है कबीरदास जी के हिसाब से। तो शब्द एक ही है, कली शब्द है, लेकिन कली शब्द का ही प्रयोग दोनों ही कवियों ने अपने अपने हिसाब से किया है। कली शब्द का प्रयोग कबीरदास जी ने नश्वर शरीर के लिए किया है, और बिहारी ने अल्प आयु में विवाहित किशोरी के लिए किया है, कमसिन आयु में विवाहित नायिका के लिए किया है। तो वस्तुतः यह अर्थभेद प्रयोजन भेद के कारण है। दोनों ने कली शब्द का प्रयोग अपने अपने अलग अलग उद्देश्यों से किया है, अलग अलग प्रयोजन से किया है, इसीलिए यह अर्थभेद उत्पन्न हुआ है। चौथा, संरचनावाद का सार तत्व रूपवाद में निहित है। संरचनावाद रूपवाद पर आधारित है। भाषा के अनेक घटक आए हुए हैं जो आपस में जुड़े रहते हैं, ऊपर में भी बता चुका हूं। संरचनावाद किसी वस्तु कृति घटना और समाज का अध्ययन इसी सावयवी पद्धति अर्थात ऑर्गेनिक मेथड से करता है। ऑर्गेनिक मेथड मतलब यह होता है किसी भी कृति के भाषागत जो घटक हैं वे आपस में एक नियम के अनुसार बंधे होते हैं, जुड़े होते हैं, इसको बोलते हैं सावयवी पद्धति। संरचना अपने में पूर्ण होती है चाहे वह साहित्य कृति की हो या मिथक की हो। ऊपर बता चुका हूँ आपको कि संरचना के लिए एक अनिवार्य शर्त है कि वह पूर्ण होनी चाहिए, चाहे वह साहित्य कृति हो, चाहे मिथक हो, मिथ हो, चाहे पुराण हो। वस्तुतः संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद को समझने के लिए रूपवाद अथवा रूसी रूपवाद को समझना आवश्यक है। अगर आप संरचना अथवा संरचनावाद को समझना चाहते हैं तो रूसी रूपवाद को भी समझना आपको बहुत ही जरूरी होता है। रूसी रूपवाद भी क्या है, भाषा को महत्व देता है। भाषा के आधार पर किसी कृति की समीक्षा करना रूपवाद कहलाता है, क्योंकि इसका जन्म रूस में हुआ था, इसलिए इसे रूसी रूपवाद कहा जाता है। रूपवाद साहित्य लोचन की रूपनिष्ठ अर्थात काव्य भाषानिष्ठ समीक्षा है। रूपवाद क्या है, काव्य भाषा के आधार पर किसी कृति की समीक्षा करना रूपवाद है। डॉक्टर नामवर सिंह की समीक्षा कृति कविता के नए प्रतिमान पर रूसी रूपवाद का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। डॉक्टर नामवर सिंह ने एक कृति लिखी है, समीक्षा कृति कविता के नए प्रतिमान, और इस पर रूसी रूपवाद का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। रूपवादियों ने कृति को प्रथम स्थान दिया है। कृति को तो संरचनावादियों ने भी प्रथम स्थान दिया है, तो रूपवादियों ने भी उसको स्थान दिया है। वे कृति के सौंदर्य और संदेश को कृति के भीतर खोजते हैं, बाहर नहीं। मतलब वे भाषागत आधार पर, काव्य भाषा के आधार पर किसी कृति की आलोचना और विवेचना करते हैं और उसके सौंदर्य और उसके संदेश को हम तक पहुंचाते हैं। इनका कहना है जो किसी कृति का सौंदर्य है उसके भाषाई सौंदर्य में निहित है, वह कृति के अंदर निहित है। शास्त्रियों ने भाषा को एक व्यवस्था या सिस्टम माना है जिसका निर्माण चिन्हों से हुआ है, सिंबल से हुआ है। शास्त्रियों कहते हैं कि भाषा का निर्माण सिंबल से या प्रतीकों से हुआ है। एक भाषाई चिन्ह के दो तत्व होते हैं, स्वर बिंब और विचार बिंब। मतलब किसी भी भाषाई चिन्ह के दो तत्व होते हैं, स्वर बिंब और विचार बिंब। जैसे कोई बोलता है हाथी, तो वह स्वर हमने सुन लिया तो यह स्वर हो गया हाथी, और विचार उसको सुनते ही हमारे मन में हाथी का चित्र उभर के आता है, यह हो गया विचार। पहला तत्व व्यंजक है, पहला है सिग्निफायर, और दूसरा तत्व व्यंग सिग्निफाइड है। मतलब क्या है, हाथी कहने से हमारे मन में तुरंत हाथी का बिंब उभरता है। तो हाथी जो हम बोल रहे हैं वह सिग्निफायर है, और बिंब जो उभर रहा है वह सिग्निफाइड है, हाथी कहने से हमको हाथी। लेकिन यह बिंब तभी उभरेगा जब हम उसी भाषा समुदाय को बिलोंग करते हैं, उसी भाषा समुदाय से। जैसे कोई अंग्रेज है, कोई हिंदी नहीं जानता है, आप उसके सामने हाथी बोलते हैं तो उसके दिमाग में कोई बिंब नहीं उभरेगा।
लेकिन एलिफेंट बोलते हैं तब उसके दिमाग में वह चित्र उभरेगा। तो यह चिन्ह हमें हजारों वर्ष की भाषा परंपरा से प्राप्त है। हमारे पूर्वजों ने नाम दे दिया है कि इस जंतु को हमको हाथी बोलना है, तो ये हमको परंपरा से प्राप्त है हजारों वर्षों से। शशुर का विचार है कि भाषागत ये चिन्ह मनमाने ढंग से आर्बिट्री निर्मित हुए हैं और अलग अलग समुदाय में अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग चिन्ह बने हैं। मतलब इसके पीछे कोई नियम कानून नहीं है। यदि हाथी को हमारे पूर्वजों ने घोड़ा बोला होता तो हम भी उसको घोड़ा बोलते, यदि उसको कुत्ता बोला होता तो हम भी उसको कुत्ता बोलते। मतलब ऐसा नहीं कि हाथी बोले से उसके शरीर से उसके कलर से कोई हाथी का संबंध है, मतलब यह यादृच्छिक रूप से निर्मित संकेत है। जैसे कमल है, कमल कमल, अब कमल का कमल फूल से कोई संबंध नहीं है, कमल बस हमने नाम दे दिया। और कलम 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 हम पेन को बोलते हैं, तो हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्षों से एक फूल का नाम कमल दिया हुआ है और कलम पेन को कलम कहते हुए आ रहे हैं, वहीं से हमने इसको प्राप्त किया है। और इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, एट रैंडम यादृच्छिक रूप से इन नामों को दिया गया है और अलग अलग समुदाय में अलग अलग भाषा समुदाय में एक ही वस्तु के अलग अलग नाम है। जैसे हम हाथी बोलते हैं संस्कृत में हस्ती बोलेंगे, किसी अन्य भाषा में बांग्ला में अलग बोलेंगे, तमिल तेलुगु में अलग बोलते होंगे, मराठी में अलग बोलते होंगे हाथी को। मतलब अलग अलग भाषा समुदाय में एक ही वस्तु का नाम अलग अलग लिखा जाता है, बोला जाता है। भाषा विज्ञान और संरचनावाद को शशुर का अप्रतिम योगदान है। इस बात को बताने वाले शशुर सबसे पहले भाषा वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि अलग अलग समुदाय में अलग अलग भाषा समुदाय में एक ही वस्तु का नाम अलग अलग हो सकता है। शब्दगत संरचना नाना प्रकार के अनुभव जगत को रूपायित करती है, जिसे संरचना का अध्ययन करके ही समझा जा सकता है। मतलब हमारे जीवन में शब्दों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। शब्दों के आधार पर ही हम अपने अनुभव को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं और इसको संरचना का अध्ययन करके ही समझा जा सकता है। प्राग स्कूल के प्रमुख, मतलब प्राग स्कूल मतलब प्राग जो एक विचारधारा वाला जो एक स्कूल है या घराना है, के प्रमुख मिकारोवस्की ने साहित्य की प्रचलित समीक्षा पद्धति से भिन्न एक नई समीक्षा पद्धति पर बल दिया जो संरचना और प्रकार फंक्शन पर बल देती है। ये कविता को भाषागत संरचना मानते हैं। उनकी दृष्टि में भाषा संरचना भाषाई तत्वों के पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था है। तो यह जो संरचनावादी समीक्षा पद्धति को जन्म देने का श्रेय इनको दिया जाता है। किसको? मुकारावस्की। इनका कहना है कि जो कविता है वह वास्तव में एक भाषागत संरचना है, मतलब भाषाई तत्वों से निर्मित एक व्यवस्था है। कोई भी कविता या काव्य विभिन्न भाषाई जो तत्व हैं, शब्द पद ध्वनि पदबंध वाक्य विन्यास, इन शब्दों से मिलकर कविता का निर्माण होता है। मतलब जो कविता है वह भाषाई तत्वों से पारस्परिक संबंधों की एक व्यवस्था है। कविता जो है या काव्य जो है वह भाषागत संरचना है जो भाषा के विभिन्न घटकों विभिन्न तत्वों से मिलकर बनता है। इसकी संरचना इसके संबंधों की एक व्यवस्था है। प्राग स्कूल, अभी प्राग स्कूल के संरचनावाद के उपरांत 7वें-8वें दशक में फ्रांसीसी संरचनावाद का नया मॉडल सामने आया जिसमें साकल्यवाद टोटलिटी दृष्टि एक नई समीक्षा पद्धति है। साकल्यवाद टोटलिटी कंप्लीटनेस कंप्लीट रूप से किसी कृति का अध्ययन करना। रूपवादी हर पाठ को एक चिन्ह या व्यवस्था के रूप में देखते थे। रूपवादी समीक्षा यह कहती है कि प्रत्येक पाठ एक चिन्ह है, चिन्ह की व्यवस्था है, जबकि फ्रांसीसी मॉडल साकल्यता पर बल देती है। फ्रांसीसी मॉडल क्या है? कंप्लीट देखती है, कंप्लीट रूप से। जैसे एक चित्र बना रहा हूं, ये एक व्यक्ति का चित्र है, तो जो संरचनावाद है इनका अलग अलग देखेगा कि ये हाथ है, आंख है, पैर है, ये सब संरचनावाद ऐसे देखता है किसी कृति को। लेकिन जो साकल्यवाद कैसे देखता है? कंप्लीट देखता है, टोटल एज ए होल। ये फ्रांसीसी मॉडल है। संरचनावादी साहित्य को भाषा का पर्याय मानते हैं। संरचनावादी क्या कहते हैं? साहित्य जो है भाषा का पर्याय है, एक भाषिक इकाई है। किंतु नई समीक्षा ने भाषिक विश्लेषण को महत्व देते हुए भाषा को साहित्य का पर्याय स्वीकार नहीं किया है, किंतु ये एक नई संरचनावादी दृष्टि है जिसने भाषा को साहित्य का पर्याय स्वीकार नहीं किया है। बोलते हैं कि खाली भाषिक आधार पर आप किसी कृति की समीक्षा नहीं कर सकते, और भी बहुत सारी चीजों के आधार पर कृति की समीक्षा होनी चाहिए। आधुनिक संरचनावादियों में नृतत्व विज्ञानी मतलब होता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्लॉड स्ट्रास, रोला वार्थ आदि प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त फूको, अल्थुसर, लाका आदि ने संरचनावाद पर गहराई से विचार किया है। ये कुछ अन्य विद्वान हैं। रोला वार्थ नाम के विद्वान ने संस्कृति को भी भाषा माना है। उनका कहना है कि संस्कृति भी एक भाषा है और संस्कृति धर्मी साहित्य मतलब कल्चरल लिटरेचर की व्याख्याएं प्रस्तुत की।
रोला भाथ ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया, ये कल्चरल लिटरेचर, मतलब जो लिटरेचर है वह अलग अलग कल्चर के आधार पर विकसित होता है, जो साहित्य होता है अलग अलग संस्कृति के आधार पर इसका विकास होता है। आधुनिक संस्कृति की संरचना भी भाषा की तरह है। संरचनावाद पर लिखी इनकी जो किताब है रोला बार्थ की, इनका नाम है दी फैशन सिस्टम, उनके अनुसार अर्थ लेखक के पास ना होकर पाठ की संरचना में ही होता है। रोला बार्थ का कहना है कि अर्थ लेखक के पास किसी रचना का अर्थ नहीं होता है बल्कि उसके पाठ में निहित होता है। पाठ का जो अर्थ है वह उसकी पाठ में निहित होता है, लेखक में निहित नहीं होता है। साहित्य निर्माण में 5 तत्व काम करते हैं। इनके आधार पर किसी साहित्य का निर्माण 5 तत्वों से होता है, शब्द या पद, वाक्य, मुहावरा और सांस्कृतिकता। इन 5 चीजों से मिलकर साहित्य का निर्माण होता है, साहित्य के निर्णायक तत्व हैं। इनकी सही पकड़ ही संरचनावाद है, और जब हम इनकी विवेचना करते हैं, इनकी आलोचना करते हैं, तब उसे कहते हैं, इनका अनुसंधान करते हैं, तो यही संरचनावाद है। समग्र रूप से हम कह सकते हैं कि संरचनावाद लेखकीय अनुभव और आलोचकीय ज्ञान को अकारत और गौण मानते हुए पाठ निर्माण एवं पाठ संरचना में छिपे तत्वों को उजागर करने पर बहुत बल देता है, अधिक बल देता है। मतलब जो संरचनावाद है वह ना तो लेखक के अनुभव को महत्व देता है, उसकी फीलिंग्स या इमोशंस को कोई महत्व नहीं देता, उसके अनुभव को, उसके एक्सपीरियंस को कोई महत्व नहीं देता, वह आलोचक को कोई महत्व नहीं देता, वह इन्हें गौण मानता है, इसे महत्वपूर्ण नहीं मानता, बल्कि पाठ का जो निर्माण है, पाठ की जो संरचना है, उसके जो भाषाई तत्व हैं, जिन घटकों, जिन तत्वों से मिलकर वह बना है, उनकी विवेचना करता है, उनको अधिक महत्व बल देता है और उनका अनुसंधान करता है और अर्थ तक पहुंचता है। अब ये निष्कर्ष और कंक्लूजन, तो निष्कर्ष या कंक्लूजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है आपके उत्तर का। संरचनावाद के लिए रचना केवल शाब्दिक या भाषिक संरचना है, मतलब संरचनावाद के अंतर्गत कोई भी रचना क्या है, सिर्फ शाब्दिक या भाषिक संरचना है। इसलिए रचनाकार के वैचारिक और भावात्मक अभिप्राय विवेचन संरचनावाद के अंतर्गत नहीं आता। मतलब किसी कृति की रचना करते समय रचनाकार के मन के विचार क्या हैं, उसकी भावना क्या है, उसका अभिप्राय क्या है, इसका विवेचन संरचनावाद के अंतर्गत नहीं किया जाता, सिर्फ उसकी भाषिक संरचना का विवेचन किया जाता है। ऐसी दशा में सब मिलाकर संरचनावाद का झुकाव रूपवाद की ओर होना स्वाभाविक है। जैसे रूपवाद में सिर्फ कृति का अध्ययन किया जाता है, उसके रचनाकार का अध्ययन नहीं किया जाता, इसी प्रकार संरचनावाद का झुकाव रूपवाद की ओर है। इस तरह कुल मिलाकर संरचनावाद एक ऐसा वाद है जो लेखकीय अथवा आलोचकीय अनुभव को अकारत और गौण मानता है और पाठ निर्माण, पाठ संरचना में छिपे तत्वों को उजागर करने का प्रयास करता है। इसका सार तत्व यह है कि पाठ की वैयक्तिकता समाप्त हो जाती है और पैटर्न व्यवस्था और संरचना पर नजर टिक जाती है। इस प्रक्रिया में लेखक का लोप हो जाता है, उसे दरकिनार करके ही चर्चा की जाती है। मतलब यह एकांगी दृष्टिकोण है या एक तरफा दृष्टिकोण है, जिसमें किसी रचनाकार को, किसी लेखक या कवि या आलोचक को महत्व नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ कृति पर ध्यान दिया जा रहा है और कृति की समीक्षा की जा रही है भाषाई आधार पर, तो यह एक तरफा है। इस तरह हम कह सकते हैं, मतलब इसमें लेखक को कोई महत्व नहीं दिया जाता, आलोचक को कोई महत्व नहीं दिया जाता, लेखक का लोप हो जाता है, लेखक गायब हो जाता है, सिर्फ उसे कृति रह जाती है। जैसे गोदान है तो सिर्फ गोदान का महत्व रह जाता है, मुंशी प्रेमचंद का यहाँ पर लोप हो जाता है, मुंशी प्रेमचंद का यहाँ पर कोई महत्व नहीं रह जाता, यह संरचनावाद है। इस तरह हम कह सकते हैं कि संरचनावाद समकालीन साहित्य चिंतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यह शुद्ध साहित्यिक सिद्धांत नहीं है, यह व्यापक सिद्धांत है जो अन्य अनुशासनों के साथ साथ साहित्य पर भी लागू हो सकता है। तो यह कोई पाश्चात्य काव्य सिद्धांत या भारतीय काव्य सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक विचारधारा है, एक दृष्टिकोण है, जो केवल साहित्य को ही नहीं बल्कि अन्य अनुशासन जैसे समाजशास्त्र और जो भाषा विज्ञान है, या फिर नृविज्ञान है, नृतत्व विज्ञान है, या फिर समाजशास्त्र है, समाज विज्ञान है, गणित है, मनोविज्ञान है, इन सभी को भी प्रभावित करता है। यह कोई साहित्यिक सिद्धांत, शुद्ध साहित्यिक सिद्धांत नहीं है, जैसे प्लेटो का सिद्धांत है, अरस्तु का सिद्धांत है, लॉन्जाइनस का सिद्धांत है, या फिर रस सिद्धांत है, साधारणीकरण का सिद्धांत है, उस तरह का यह कोई आलोचना सिद्धांत नहीं है, केवल एक दृष्टिकोण है, एक विचारधारा है, एक वाद है, जो केवल साहित्य पर ही नहीं बल्कि अन्य अनुशासन अर्थात अन्य सब्जेक्ट्स पर भी लागू होता है। सबसे पहले संरचनावाद का प्रयोग भाषा विज्ञान में हुआ और भाषा विज्ञान के रास्ते से यह साहित्य में आया। भाषा विज्ञान में डी सेस्योर यह कॉन्सेप्ट को लेकर आए और बाद में यह अवधारणा साहित्य में भी आ गई। ज्ञातव्य है कि यह भारतीय साहित्य चिंतन का हिस्सा नहीं है, यह आज भी भारतीय साहित्य विचारधारा चिंतन का हिस्सा नहीं है,
बल्कि भारत में यह यूरोपीय और विशेष रूप से फ्रेंच साहित्य से आया है। भारत में यह कहाँ से आया? फ्रांस का जो साहित्य है वहां से आया है। आलोचकों और विचारकों ने साहित्य की संरचनावादी व्याख्या की है। कुछ आलोचक और विचारक ऐसे हुए हैं जिन्होंने कुछ साहित्य की संरचनावादी आधार पर व्याख्या की है, उनकी आलोचना की है। इससे साहित्य को नए ढंग से पढ़ने समझने की दृष्टि मिली है। मतलब इससे हमको पता चलता है कि किसी साहित्य को हम कैसे नए तरीके से पढ़ सकते हैं, उसमें से कौन सा नया अर्थ प्रतिध्वनित होता है। साहित्य इतिहास के लिए कृति और कृतिकार की ऐतिहासिक चेतना और कला चेतना के स्वरूप और संयोग प्रक्रिया का विश्लेषण आवश्यक है, जिसके लिए संरचनावादी साहित्य चिंतन में जगह नहीं है। संरचनावादी जो साहित्यिक दृष्टिकोण है, आलोचनात्मक दृष्टिकोण है, वह एकांगी है, क्योंकि इसमें साहित्यकार के देश, काल, परिस्थिति, वातावरण, ऐतिहासिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति, इन सब का यहाँ पर कोई जगह नहीं है। मतलब यह एकांगी है, यह सिर्फ कृति पर दृष्टिपात करता है, कृति को महत्व प्रदान करता है, कृतिकार या लेखक या कवि को कोई महत्व नहीं देता। उसकी जो समकालीन परिस्थितियां हैं, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, इन सभी को वह नकार देता है। संरचनावाद हिंदी में मात्र चर्चा का ही विषय रहा है। इस पर सिर्फ यहाँ पर डिस्कशन होता है, चर्चा होता है, लेकिन परीक्षा में यह प्रश्न जरूर आता है। परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभी तक कोई ऐसी आलोचक कृति, आलोचनात्मक कृति नहीं आई है जिसमें किसी रचना का अध्ययन विश्लेषण संरचनावाद के आधार पर किया गया है। मतलब भारत में अभी तक ऐसी कोई कृति नहीं है जिसका विवेचन या आलोचना संरचनावाद के आधार पर किया गया हो। तो निश्चित रूप से आप लोगों ने यह अवधारणा भली भांति समझ लिया होगा। यदि मेरा यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद।